वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम पहले एक प्रश्न को श्रवण करें। श्री राधे श्री राधे राधे गुरु जी, एक माता का प्रश्न है, उनका निवेदन है कि गौ महिमा के ऊपर आप कुछ बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। श्री राधे, गौ महिमा अनंत है, असीमित है, अवर्णनीय है। जो भारतीय गाय होती है, जिसको हम देशी गाय बोलते हैं, ये सर्वदेवमयी होती है। इसके अंग अंग में देवी देवताओं का वास है, यहाँ तक कि गोबर में भी लक्ष्मी माता का वास है। इनकी सेवा करने पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर किसी की इच्छा है तो दोबारा बता रहा हूँ कि यदि किसी को प्रतिकूल ऊर्जा का असर पड़ा हो, जिसको निगेटिव एनर्जी बोलते हैं, अर्थात प्रेत भूत पिशाच आदि किसी को लगा हो, तो देशी गाय की सेवा करें और उनके साथ रहें, सहलाएं, खिलाएं पिलाएं, सफाई करें, बिल्कुल उनके साथ सोएं, तो निश्चित ही प्रेत भूत भग जाते हैं। और ये केवल कही हुई बात नहीं, हमारे यहाँ अजमाई हुई बात। यहाँ हापुड़ के पास की एक माता आती है, टीचर की पत्नी है वो, और उसको किसी प्रकार से भूत प्रेत से मुक्ति नहीं मिली, तो यहीं से बच्चियाँ ले गई थी वो वैन में, मारुति वैन में ले गई, अब तो गाय हो गई हो। तो उसकी सेवा करने पर उसके साथ सोती थी, उसको सहलाती थी, खिलाती पिलाती थी, और कुछ महीने के अंदर ही वो सब बाधाओं से मुक्त हो गई और खुद बोली कि अब मैं ठीक हो गई। और पहले उसका पति और घर के लोग वो भी परेशान रहती थी, और दूध दही घी पंचामृत से तो अनंत लाभ होते हैं। जिनका गौ माता के प्रति प्रेम होता है, उनको तो भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है, भक्ति भी प्राप्त होती है। आवाज सही नहीं आ रही क्या? तो एक माता आती है फरीदाबाद की, वो बताती है कि उनके दरवाजे पर दो दो तीन तीन घंटे गाय आकर के विराजमान रहती हैं, सींग से दरवाजा खोलती हैं और प्रसाद मांगती रहती हैं, उनको प्रसाद वो खिलाती हैं, सबको सहलाती हैं, बड़ा दुलार प्यार करती हैं। तो उनके ऊपर भगवान की भी कृपा है, बहुत कृपा है, भक्ति है, और गौ की सेवा प्रतिदिन वो करती हैं। तो आपके घर यदि गौ माता नहीं आ सकती हैं, किसी कारण से आप पाल नहीं सकते हैं, तो जहाँ गौशाला हो, देसी गाय हो, वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ जाकर अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए। और किसी कारण से ऐसा भी नहीं हो पा रहा कि रोजाना पहुँच सकें, तो महीने में या हफ्ते में एक दिन जाइए। ये भी नहीं बन पा रहा है तो वहाँ की सेवा में आप सहयोगी बन जाइए, तब भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो गौ माता के अंदर एक गो ऊर्जा होती, गो ऊर्जा जिसमें दैवी शक्ति होती है, और भक्तों केवल ऐसा नहीं है कि दूध दही घी में ही शक्ति है, गौ के मूत्र में भी अपार बीमारियों को दूर करने की शक्ति है। जैसे किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, आँख की बीमारी, ये सब गौ के गोमूत्र से दूर हो जाती हैं। तो गौ माता को हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं और उनकी महिमा, उनकी कृपा भारत भूमि पर सदा विराजमान है। ऐसी कृष्ण की बहुत प्यारी गौ माताओं की महिमा को, गौ माता को हम प्रणाम करके
अब दूसरा प्रश्न ले रहे हैं श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में बारामन दंडवत प्रणाम। प्रश्न है गुरु जी आज का, राधे राधे महाराज जी, मेरा नाम मानसी अरोड़ा है हरियाणा से। इनका प्रश्न है गुरु जी, प्रश्न बहुत बड़ा है, मैं छोटे में बता रहा हूँ गुरु जी। ये कह रही है कि ये 6 महीने से लगातार नाम जप कर रही हैं और नाम जप करने से इनके भजन में इतनी निरंतरता आ गई है कि भजन करते करते भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन होने लगता है, या किसी भी कार्य को करती हैं तो भगवान के स्वरूप का ध्यान लग जाता है गुरुदेव। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इनकी नौकरी लग गई है और नौकरी चूंकि काम नया है तो उसमें ज़्यादा टेंशन बनता है, ज़्यादा ध्यान से काम करना पड़ता है, जिस कारण से अब नाम जप छूटने लगा है और ध्यान भी नहीं लग पाता है, तो बहुत आंसू भी गिरते हैं, दुख होता है कि ध्यान छूट रहा है, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो गुरु जी ऐसी कोई उपाय बताइए, ऐसी कुछ कृपा करिए कि दोबारा से नाम में निरंतर आ जाए, रुचि आ जाए और भगवान के दर्शन ध्यान में होने लग जाए। श्री राधे राधे। श्री राधे, एक ही उपाय है, भक्त चरित्र श्रवण करना। भक्त चरित्र श्रवण करेंगे प्रतिदिन तो आपकी जो गति धीमी हो गई है उसमें फिर से तीव्रता आ जाएगी और निश्चित ही आप फिर से पहले जैसे बल्कि और ज्यादा भजन करने लगे। गूंज रही है आवाज ज्यादा, थोड़ा से कम। श्री राधे राधे। तो सावधानी पूर्वक एकाग्र होकर एकांत में भक्त चरित्र श्रवण करना चाहिए, तब वैसा ही अपने हृदय में भाव प्रादुर्भूत हो जाता है और मन होता है कि हम इसी तरह से भक्ति करें, अर्थात खूब भजन करें, खूब भगवान को प्रेम करें, तो ये भक्त चरित्र श्रवण करने से लाभ निश्चित हो जाता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी, कह रही है महाराज जी, मैंने भजन का समय रखा है 8:30 बजे रात का समय बांधा है मैंने नित्य भजन का, परंतु कभी कभी 8 बज जाते हैं, कभी कभी 7:45 बज जाते हैं, तो क्या यह सही है, इसमें भजन में निरंतरता आ जाएगी। श्री राधे राधे। प्रारंभ में नियमितता आवश्यक होती है, नियमितता अर्थात रेगुलर होना, नियम से समय से रेगुलर भक्ति करने से ही प्रगति होती है, नहीं तो लापरवाही ज़्यादा हो जाती है। इसलिए रेगुलर भक्ति करिए, रेगुलर हो करके आप कथा श्रवण करिए, भक्त चरित्र श्रवण करिए, तो आपको आनंद विशेष आएगा। श्री राधे। श्री राधे राधे गुरु जी, दूसरा प्रश्न लेता हूँ गुरु जी। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, मैं वृंदावन से ही हूँ, मैंने कहीं से दीक्षा नहीं ली है, कई सालों से शिव जी को ही अपना गुरु मानते हुए राम नाम का जप करती हूँ, क्योंकि ऐसा पढ़ा एवं सुना है कि महादेव को राम नाम अत्यंत प्रिय है और वो स्वयं भी माता पार्वती समेत राम नाम का ही जाप करते हैं और राम नाम से ही काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं। पहले मैं सिर्फ शिव जी की ही पूजा करती थी, पर जीवन की कुछ घटना चक्र ऐसे घटे कि राम नाम जीवन में आ गया और राम नाम ही अब जीवन सब कुछ बन गया है। आज शिव जी की कृपा से ही हमारे इष्ट राम जी हैं, घर में राम जानकी लक्ष्मण जी का विग्रह है जिनकी सेवा हम यथासंभव करते हैं। इनका प्रश्न है कि राम जी की प्रसन्नता के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके नाम जप के अलावा और कौन सा पाठ अथवा स्तुति करूं, ऐसा क्या करूं जिससे शीघ्र अति शीघ्र दर्शन अथवा अपना कोई संकेत ही दे दें। श्री राधे राधे गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। दर्शन का हठ नहीं करना चाहिए, मन में भाव उत्पन्न हो, दर्शन की प्यास जगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान से ये नहीं कहना चाहिए कि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो हम ऐसा कर लेंगे, अपने को तकलीफ दे लेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान से यही कहना चाहिए कि दर्श बिन दुखन लागे नयन, आपके दर्शन के बिना अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, तकलीफ बहुत हो रही है, अब आपको जो ऐसा लगे वैसा, ठीक आपको लगे वैसा करिए। तो भक्तों प्यास बढ़ानी चाहिए, अर्थात दर्शन की प्यास बढ़ानी चाहिए और प्रेम बढ़ेगा तो प्यास बढ़ेगी। प्रेम बढ़ाने के लिए भक्त चरित्र श्रवण करना नितांत आवश्यक है, मौन रखना आवश्यक है, फालतू नहीं बोलना चाहिए,
किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए, निंदा चुगली बुराई न सुनना चाहिए न करना चाहिए, उससे भक्ति घट जाती है, भजन कट जाता है, उसकी शक्ति जो है वो उसका ह्रास हो जाता है, अर्थात पूंजी उसकी कमजोर पड़ जाती है। जो भक्ति मिल रही, जो हम बुराई करेंगे संतों की, भक्तों की और लोगों की, तो वो क्षीण हो जाती है शक्ति। तो इसलिए इससे बच करके, निंदा न किसी की करके, भगवान का ही गुणगान श्रवण करो, और अपने मुख से कर सको तो करना भी चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी कि राम जी को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, ऐसी क्या है जिससे राम जी अथवा जानकी जी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता यह मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। श्री राधे। राम जी को प्रिय है उनके भक्तों की सेवा, उनके भक्तों की सेवा। भक्त कि मोटी पहचान तो यही है कि साधु संत जो हैं भक्त होते हैं, लेकिन कोई साधु संत का वेश नहीं धारण किया है तब भी भक्त हो सकता है। छिपे हुए भक्त होते हैं, ऐसे गृहस्थ में रह रहे हैं या कपड़ा वैसा नहीं पहना है रंगीन, लेकिन भक्ति उनके अंदर होती है तो वो भी संत के ही बराबर होते हैं। तो उनकी सेवा करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए और आदर करिए। कुछ उनकी सेवा जैसे खान पान की है या उनकी उपयोगिता की वस्तु प्रदान करना और उनकी बड़ाई करना, बड़ाई करने का मतलब उनका गुणगान करना, उससे भगवान को बहुत आनंद आता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी करि कल्याण अखिल कहानी। साधु की अवज्ञा नहीं होना चाहिए, साधु को दुख नहीं देना चाहिए। रावण जबई विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबई अभागा। विभीषण संत थे क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरव देह नहीं आन निहोरे। विभीषण को भगवान ने संत बताया और उन संत का तिरस्कार करके, दुख दे करके जब रावण ने घर से निकाल दिया, भयो विभव बिन तब ही अभागा, वैभव से हीन हो गया और तभी अभागा हो गया। ये जो विभीषण को अपने घर से नहीं निकालता तो रावण किसी तरह से मारा नहीं जा सकता था, लेकिन उसने अपनी जो आशीर्वाद की शक्ति थी संत की वो खो दिया, इसलिए वो अभागा हो गया। राधे राधे। मेरा नाम अनुराधा तिवारी है, मैं कानपुर से हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि आपने कभी एक दिन भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बोला था कि श्रीमद् भागवत पुराण जी का पाठ आपको स्वयं करना चाहिए और पाठ रोज करना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। गुरु जी हमें अभी 10-12 दिनों के लिए चार धाम की यात्रा के लिए जाना है, तो ऐसे में मेरा श्रीमद् भागवत का पुराण का पाठ कंटिन्यू कैसे चल सकता है? इतना मोटा ग्रंथ ले नहीं जा सकते हैं और वहाँ का टाइम शेड्यूल भी अलग अलग रहेगा गुरु जी, इसका निवारण बतलाने के लिए कृपा करें, क्योंकि मेरा पाठ का रोज का नियम कैसे हो सकता है? क्या यूट्यूब से पाठ हो सकता है या कोई भगवान की कथा आदि सुनने से पाठ अनवरत माना जाएगा? कृपया बताने की कृपा करें। मैं रोज कम से कम 2 अध्याय का पाठ अवश्य करती हूँ, यह कोई संकल्प नहीं किया है कि इतने दिनों में संपूर्ण करूंगी, कभी छुट्टी वाले दिन अधिक पाठ कर लेती हूँ, इसका कोई दोष तो नहीं क्योंकि मैं सर्विस करती हूँ तो छुट्टी वाले दिन अधिक पाठ कर लेती हूँ, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। अब आज के जमाने में इसमें कोई बाधा नहीं, आपको यात्रा करिए, दर्शन करिए, बस बातचीत फालतू मत करना किसी से, बहुत आवश्यक हो तो 1-2 शब्द में ही बात अपनी खत्म करना, और मोबाइल में इंटरनेट चालू करके आप गीता सेवा नाम का जो ऐप है गीता प्रेस का, वो निकालिए और उसमें आपको भागवत जी पूरी मिलेंगी, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण निकालिएगा और पूरा का पूरा पाठ है उसमें, संस्कृत भी हिंदी भी है, तो आप अपना देख लिया करिए जहाँ से जहाँ तक करना है, उसके बाद याद रखिए, नोट कर लीजिए, अगले दिन फिर वहीं मोबाइल से ही गीता सेवा ऐप निकाल लीजिए,
तो आपको भागवत ग्रंथ नहीं ले जाना होगा, यात्रा के समय आप अपने मोबाइल से ही पाठ कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी यह कह रही हैं कि श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय में ऐसा वर्णन है कि दीति जी जो ऋषि की पत्नी थी उन्होंने शाम वेला में सहवास करने का पाप किया था, जिससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो राक्षस पुत्र पैदा हुए थे। उनके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को, समुद्र को और वहां के निवासियों को बहुत कष्ट मिले थे, यहाँ तक कि गौ के थनों से दूध की जगह रक्त बह रहा था आदि आदि। तो सदगुरुदेव भगवान, हमें पूछना है कि जब पाप दीति जी ने किया था तो यह कष्ट सभी पृथ्वी को क्यों मिला, यहाँ तक कि देवताओं को भी कष्ट मिला, सभी को कष्ट मिला, जो पाप करता है उसको मिलना चाहिए था, क्या इन जिनको कष्ट मिल रहा है क्या इनका भी इसमें कुछ भाग था? कृपया गुरुदेव भगवान संशय दूर करने की कृपा करें। और गुरुदेव भगवान यह भी पूछना चाह रहा हूँ कि भागवत महापुराण में कई जगह पर नारद पांच रात्र का पाठ करने का भी आया हुआ है, गुरुदेव भगवान यह भी पूछना तो नारद पांच पाठ क्या होता है, इसका पाठ कैसे किया जाता है, उसका फल क्या होता है? गुरुदेव भगवान जी के चरणों में नमन वंदन प्रणाम, जय श्री राधे राधे। गुरु जी उसका कारण ये था कि कश्यप ऋषि ने दीति को मना किया था, ये समय उपयुक्त नहीं है और मेरी बात मानो, लेकिन उसने बहुत दुराग्रह, बड़ा हट करके अपनी बात मनवाई, तो बाद में कश्यप ऋषि ने उसको श्राप दे दिया था, तो तुम्हारे ऐसे दो पुत्र होंगे जिनके द्वारा त्रैलोक में सबको कष्ट मिलेगा। तो जो ऋषि का श्राप था उस श्राप के कारण ये हुआ कि गलती तो दीति की थी, लेकिन जो श्राप दे दिया कि ऐसे बच्चे होंगे जो सबको सताएंगे, तो महाराज ऋषि का श्राप जो था उसी के कारण से जनता को दुख हुआ था। और नारद पांचरात्र की बात आपने जो पूछा है, तो नारद पांचरात्र ग्रंथ पूरा उपलब्ध तो अब नहीं है, क्योंकि उसकी संहिताएं जो हैं नारद पांचरात्र की संहिताएं वो 108 हैं और मिलते हैं कुल 5-7 मुश्किल से ही, तो पूरा नारद पांचरात्र तो नहीं मिल पाता है अब, लेकिन दक्षिण भारत में वो सुरसुरानंद जी महाराज ने सुरक्षित किया था। आप दक्षिण भारत में यदि जाएंगे श्रीरंगम में और तिरुपति बालाजी में और कई ऐसे मंदिर हैं दक्षिण भारत में जहां पर वो ग्रंथ उपलब्ध है, बाजार में भले नहीं मिलेगा लेकिन वहां आपको पढ़ने सुनने को मिल जाएगा, और उसकी फोटो कॉपी आप करा सकते हैं, हो सकता है अब इंटरनेट में उपलब्ध हो गया हो, तो इंटरनेट से भी नारद पांचरात्र ग्रंथ आप निकाल कर पाठ कर सकते हैं, उसमें भक्ति की गंभीर मार्मिक बातें हैं, बहुत मार्मिक बातें हैं भक्ति की, जो पांच रात में, उसका नाम पांचरात्र क्यों है नारद पांचरात्र, क्योंकि पांच रात उपदेश किया था भगवान शेष जी ने, तो शेष जी ने नारद जी को पांच रात लगातार उपदेश किया था भक्ति का, इसलिए उस ग्रंथ का नाम नारद पांचरात्र है। तो उसमें भक्ति की बड़ी मार्मिक बातें हैं, सिद्धांत की बातें हैं, अभ्यास की बातें हैं, प्रैक्टिकल उसका कैसे किया जाए वो सब बताया गया है। राधे राधे। श्री राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम शक्ति सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी मेरा प्रश्न यह है कि कोई प्रवचन कीर्तन या सत्संग सुनते टाइम में जब मुझे भाव की फीलिंग आने लगती है तो मैं बहुत डर जाती हूँ और तुरंत मोबाइल बंद कर देती हूँ कि कहीं कुछ मेरे भाव सबके सामने बाहर ना जाए, और इस वजह से मैं बहुत डरती हूँ। ठाकुर जी का विरह भी मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि संसार में हर रिश्ते में धोखा मिला है और बहुत सांसारिक प्रताड़ना भी मिली है। संसार से तो मुझे बहुत विरह प्राप्त हुआ है, ठाकुर जी का विरह अब चाहती हूँ कि वह मुझे बस मिल जाए। कभी कभी ऐसा लगता है गुरुदेव वह मुझसे दो अंगुल ही दूर है, वह सबसे करीब है मेरे, अब अंतरात्मा से बस मैं उन्हीं की शरण में हूँ। कृपया गुरुदेव आप समाधान करें
और आप अंतर्यामी हैं, मुझे उनकी शरणागति प्राप्त हो, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। ये बहुत आवश्यक है जो आपको अनुभव हो रहा है, अर्थात विरह अनुभूति हो रही है, भगवान के लिए पीड़ा होती है कि भगवान का अनुभव हो रहा है, दर्शन मिलना चाहिए। तो जो भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र श्रवण करने पर ऐसी आंतरिक पीड़ा, बेचैनी, घबराहट, व्याकुलता, रोना धोना चालू हो जाता है ना, ये कल्याण करता है। इससे अंदर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, धुल करके निर्मलता अंदर आ जाती है, अंतःकरण धुल करके एक साथ निर्मल हो जाता है, जिससे अंदर प्रभु की झांकी उत्पन्न हो जाती है, भगवान की झांकी उत्पन्न हो जाती है। बड़े विरले ही भाग्यशाली भक्त होते हैं जिनको भक्त चरित्र, भगवान की लीला और भगवान का चरित्र सुन करके ऐसी आंतरिक बेचैनी, पीड़ा, व्याकुलता उत्पन्न होती है, जिसमें जोर जोर से रोना चालू हो जाता है और हृदय निर्मल हो जाता है, भगवान की झांकी होने लग जाती है। तो आप इससे डरिए नहीं, ये तो बहुत कल्याणकारी चीज है। बस आप लोगों के सामने यदि नहीं ऐसे टाइम पर रहना चाहती हैं तो अपने कमरे में जा करके दरवाजा बंद करके फिर चरित्र श्रवण करो, नाम कीर्तन, भजन, भगवान को, भक्तों का चरित्र श्रवण करो बंद कमरे में। और वहां पर आप जब व्याकुलता हो, पीड़ा हो, बेचैनी हो, रोना धोना हो, तो उससे घबराइए नहीं, उससे कल्याण ही होगा, उससे हानि कुछ नहीं होगी, उससे आपका हृदय निर्मल हो जाएगा और ठाकुर जी का अनुभव झांकी होने लग जाएगी। श्री राधे राधे। स्वामी जी आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विजय सेन कानपुर से, इनका प्रश्न है गुरु जी कि महामंत्र का जाप जो भी करता है बिना सदगुरु के क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? श्री राधे राधे, कृपया बताने की कृपा करें। राधे राधे। महामंत्र संभवतः आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसको कह रहे होंगे, क्योंकि ये प्रचलित है। और कलि संतरण उपनिषद में सर्वप्रथम इसकी चर्चा है, वहां पर इसको 16 नाम ऐसा बोला गया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है कि जो इन 16 नामों को, वहां यही बोला गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये कहा गया है कलि संतरण उपनिषद में, कि जो इन 16 नामों को जपता है उसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है, भक्ति प्राप्त होती है, सब दुख दूर हो जाते हैं। अब कोई इसको आगे पीछे करेगा तो कोई हानि नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने हरे राम न करके हरे कृष्ण से शुरू कर दिया तो उसमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि नाम तो वही है, ज्यों के त्यों, नाम तो बदल नहीं गए। नाम जय आप हरे राम से शुरू किए थे तो जो नाम आए वही हरे कृष्ण से शुरू करने पर आ रहे हैं, तो अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, फायदा में कोई कमी नहीं होगी, लाभ कम में कम नहीं होगा। और ये नाम, इसी को महामंत्र भी बताया गया है गौड़ी संप्रदाय में और भी कई संप्रदाय में, इसको महामंत्र कहा गया है। और तुलसीदास जी ने तो राम को ही महामंत्र कह दिया, महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। तुलसीदास जी ने तो राम बोले यही महामंत्र। तो आप भगवान का कोई भी नाम जप करोगे तो महामंत्र का ही फायदा आपको मिलेगा। आप महामंत्र जपते हैं तो वही जपिए। क्या पूछा इन्होंने महामंत्र के विषय में? बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, बिना सदगुरु के हो सकता है। गुरु उसके भगवान रहते हैं, जिसका कोई गुरु नहीं उसके गुरु भगवान है, वही दूसरा गुरु मिलाते हैं। भगवान ही उसके गुरु होते हैं, जिसका कोई गुरु नहीं है वो अपनी जिम्मेदारी किसी को देना चाहते हैं तो गुरुदेव से वही मिला देते हैं, गुरु की प्राप्ति करा देते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी, स्वामी जी बिना गुरु के कंठी और तिलक कोई धारण नहीं कर सकता, ऐसा मैंने संतों के मुख से कथा में सुना है, तो फिर कौन से संप्रदाय का तिलक करें? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बताने की कृपा करें। राधे राधे।
अब आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपको अहंकार नहीं करना पड़ेगा कि हम किसी को गुरु नहीं मानते। एक तो ये नहीं करना है, दूसरे हमारे लायक कोई गुरु नहीं मिला ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे बड़े आप मतलब हम सबसे बड़े बड़े महान महान भक्त संत दुनिया में न जाने कितने हैं, कोई गिनती नहीं। तो हमारे लायक कोई गुरु नहीं मिला ये कहना भी अहंकार है। और अब आज के जमाने में कोई गुरु नहीं है, सतयुग में होते थे, ये भी कहना अज्ञान है। आज भी महान से महान भक्त, ज्ञानी से ज्ञानी, विरागी से विरागी, प्रेमी से प्रेमी, महान से महान संत भक्त पूरी दुनिया में पता नहीं कितने हैं। अब हमको नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि हैं ही नहीं, हैं तो, किंतु हमारे अंदर पात्रता नहीं है कि हम उनसे मिल पाए। तो हमारे अंदर पात्रता तब होगी जब भगवान की खूब भक्ति करोगे, भक्त भगवान चरित्र श्रवण करोगे, नाम कीर्तन नाम जप करोगे, तो भगवान ही आपको ऐसे संतों के पास पहुंचा देंगे। तो आपको जब तक गुरु नहीं मिल रहे हैं तब तक बिना गुरु के ही आप ठाकुर जी को माला पहना के आप पहन लीजिए, भगवान की पहनी हुई माला उनकी प्रसादी रूप में पहन लीजिए, गोपी चंदन जैसे मन में आओ वैसे ही अपने थोप लो, माथे में लगा लो, हो गए चंदन। अरे भाई जिसके चंदन कोई आकार रहता वो भी बहुत सा लगाते हैं खूब, तो आप भी लगा लो। ठाकुर जी की चरण रज है, ठाकुर जी की चरण रज है वृंदावन की रज, वो आप लगा लीजिए, और माला भगवान की पहनी हुई पहन लीजिए। अब आप ठाकुर जी को ही गुरु मान करके चालू कर दीजिए। अब इसके बाद जब उनकी कृपा होगी तब गुरु की प्राप्ति होगी। जब भगवान की कृपा होती ना तभी गुरु मिलते हैं, और जब गुरु की कृपा होती तब भगवान भी मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंड प्रणाम। मेरा नाम रंजित भोंसले है, पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। इनका प्रश्न है गुरु जी कि सबसे अच्छा प्राणायाम कौन सा है, आत्म साक्षात्कार क्या है, प्राणायाम कौन सा है, आत्म साक्षात्कार क्या है और कैसे होगा, ईश्वर का सदा स्मरण कैसे होगा, गुरु की पहचान कैसे होगी, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। प्राणायाम अपने शरीर की योग्यता के अनुसार होता है। जिसका शरीर पूर्ण स्वस्थ है उसके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम कुंभक है। कुंभक अर्थात श्वास को अंदर रोकना, लेकिन जिसके फेफड़े की बीमारी है वो नहीं रोक पाएगा। कोई भी बीमारी सांस की है, लंग्स की है, तो ये नहीं कर पाएगा, और करेगा तो वो संभाल नहीं पाएगा, अपने आप को चक्कर आ जाएगा। तो यदि स्वस्थ हैं तो कुंभक सर्वोत्तम है। हाँ, और क्या पूछा? साक्षात्कार के लिए तो प्रेम के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं। गुरु जो वो जिनके सानिध्य में जाने से भगवान की याद आती है, भगवान का प्रेम उत्पन्न होता है, संसार से वैराग्य होता है, वो गुरु हैं। वो चाहे कोई वेशधारी हो, जो नास्तिकता की बात बताते हो वो गुरु नहीं हो सकते। जो आस्तिक बनाए, प्रभु का प्रेमी बनाए, वो भक्त हैं, गुरु हैं। बिना भक्ति का कोई गुरु नहीं होता है। यदि बिना भक्ति का कोई गुरु है तो आपको भी अभक्त बना देगा, इसलिए ऐसे से सावधान रहना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार का तात्पर्य होता है अपने स्वरूप को पहचानना। आत्म साक्षात्कार मतलब अपने स्वरूप को पहचानना। अब हम कौन हैं ये खुशी से पूछा जाए तो अपने आइडेंटिटी बताएगा, हम उनके पिताजी उनके बेटा हैं, वो उस गांव में जन्म हुआ, लेकिन ये हमारी वास्तविक आइडेंटिटी नहीं है। अरे वास्तविक आइडेंटिटी क्या है? दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मण हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज। तो भक्तों, जो भगवान से जुड़ा हुआ परिचय होता है, जैसे हम भगवान कौशलेंद्र के दास हैं
हनुमान जी ने यह परिचय अपना दिया था। ऐसे हम ये जो वास्तव में गुरु भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, तो अपना परिचय देने में हमको ये बोलना पड़ेगा भगवान का नाम कि हम उनके दास हैं और हम उनके शिष्य हैं, गुरु का नाम बोलकर। ये आध्यात्मिक परिचय है। सांसारिक परिचय होता है कि हमारे पिताजी हैं, गांव ये, मोहल्ला ये, तो वास्तविक परिचय जो आत्मा का होता है। और ये आत्मा का परिचय तो अभी हम आप मुंह से बोलते हैं, लेकिन जब वो साक्षात्कार होता है तब चुप्पी साधना पड़ जाता है, क्योंकि हम वही हैं जो सर्वोत्तम अर्थात आत्मा। तो अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा जीव की आत्मा है वो मेरी ही आत्मा है, जीव की आत्मा मेरी ही आत्मा है, बस वो उसको साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक अपने को जीव मानकर असमर्थ बना रहता है। जहां उसको वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो हाँ वह आनंद से पूरा पूरा भर जाता है, सारा दुख मिट जाता है। श्री राधे राधे। हम महाराज जी जैसे वो उन्होंने हमको गुरु मंत्र दिया हुआ है, तो जैसे हम तो वो केवल जब भगवान जी के पास बैठे तभी कर सकते हैं, चलते फिरते से सीता राम हमारे भगवान श्री नृत्य गोपाल दास जी ने अयोध्या में। गुरु मंत्र चलते फिरते नहीं करना चाहिए, ये ठीक है आपकी बात। चलते फिरते सीताराम 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 या श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सियाराम जय जय हनुमान आप भगवान का नाम बोलो, ये तो सामान्यतः यही बात है। लेकिन यदि किसी का गुरु मंत्र इतना ज्यादा अभ्यास में है कि वो रुकता ही नहीं वही जप होता है, तो मानसिक जप करना चाहिए। मानसिक जप करो, आवाज नहीं निकले मुंह से, होठ नहीं ले, जीभ नहीं ले, अंदर अंदर मानसिक जप मंत्र का होगा तो कोई दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। श्री राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।